पिछली रचना के माध्यम से आपने ये जाना कि राखी सिकंदर खान के सैनिकों से बाहर निकल करके अंतराम और संतराम के पास आ जाती है और तीनों साथी लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इस बात को देखते हुए फैज सिकंदर खान ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि तीनों को ही समाप्त कर दिया जाए। तो किस तरह से रचना में उस युद्ध का वर्णन किया गया है ये सुनेंगे आप इस बात के द्वारा। हर घमासान संग्राम था बाजी सेना चारों ओर सिकंदर खान की लगी। सिकंदर खान की लगी घमासान संग्राम था बाजी जान की लगी। सेना चारों ओर सिकंदर खान की लगी। सिकंदर खान की लगी झुंड में जैसे हो हिरणों के झुंड में जैसे मृग राज वार करते हैं। तीनों साथी दुश्मन के सर अलग तार धरते हैं। कुछ भाग घाटियां दुबके जो देख मार डरते हैं। भागे चोट खा खा के जो मरण हार मरते कुछ भागे चोट खा खा के जो मरण हार मरते करते हाहाकार चोट गिर पान की लगी। सेना चारों ओर सिकंदर खान की लगी। सिकंदर खान की लगी तेग गुजर की हो एक ओढ़ तेग गुजर की एक ओढ़ जाट के झटके। राखी ने न बाकी छोड़े सर काट काट के पटके। बिजली की तरह घूमे थे जैसे कला खिलाड़ी नटके। भाले रह गए खेत में पैरी के कंठ में अटके। भाले रह गए खेत में पैरी के कंठ में अटके। कट कट के गिरती से घड़ी तान की लगी। सेना चारों ओर सिकंदर खान की लगी। सिकंदर खान की लगी
कर्म फल होता हो रे, परतंत्र कर्म फल होता जग बंधन होनहार से। अब संत राम कारण वश कुछ हो गया दूर यार से। राखी ने देखा भाई नहीं बचता खान वार से। सिकंदर जंग से सेना की करी सफाई। गुरु सारा